हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्री बोर्ड कुछ बच्चों का हो गया है या चल रहे हैं, कुछ पेपर रह गए हैं या हो जाएगा थोड़े दिन में, लेकिन रियलाइज हो गया होगा पेपर कैसा हुआ। तो प्री बोर्ड कुछ बच्चों का अच्छा नहीं हुआ है, या मान लो चलो अच्छा भी हुआ है तो भाई हमें तो 40 में 44 ने है। अब 40 में मान लो आपने 35 आ रहे, तब भी मैं कहूँगा कमी है। तो इनके क्या रीजंस हो सकते हैं वो मैंने एक एनालिसिस की, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। कुछ टोटल मैंने 4 पॉइंट रियलाइज किए जिसमें जिस वजह से आपके नंबर कम आ सकते हैं या आपका प्री बोर्ड अच्छा नहीं हुआ है, तो उसको आपको समझना है, उसको सही से करना है जिससे कि चीज सही रहे। जैसे पहला ये है कि सिलेबस अगर आपने कंप्लीट नहीं करा, हो सकता है आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं किया होगा, आपने एक आध चैप्टर छोड़ दिया होगा, सोचा हो चलो इससे पेपर में ज्यादा नहीं आता है चलो कर देते, ऐसा हो गया होगा। इस वजह से भी आपका हो सकता है पेपर अच्छा ना हुआ हो, क्योंकि मान लो पहले ही क्वेश्चन वही फंस गया, मान लो वो चैप्टर जो तुमने नहीं किया था उसी से आ गया क्वेश्चन, तो आप तो डिमोटिवेट हो गए, तो आपने तो आगे कर नहीं पाया, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। साथ के साथ दूसरा, पेपर हार्ड आ गया होगा, ठीक है, मान लो आपने जिस लेवल पे तैयारी करी है पेपर थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ गए, और उस केस में प्री बोर्ड देखो थोड़ा अच्छे लेवल का होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ज्यादातर स्कूल में प्री बोर्ड जो है वो एक अच्छे लेवल पे लेते हैं, क्यों? जिससे बच्चों को पता चल जाए इस लेवल तक सीबीएसई जा सकती है, हमें भैया इस लेवल तक तैयारी करनी, तो पेपर में हार्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। दूसरा, सब्जेक्टिव की वजह से प्रॉब्लम, अब आपको पता है हमने यार टर्म 1 ऑब्जेक्टिव पढ़ाई की है, अब अचानक से सब्जेक्टिव, और दूसरा टर्म 1 की वाली बात नहीं है, टर्म 1 से पहले आपको पता है कोविड पीरियड में पूरे 2 साल 1.5 साल जो हो रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो हमें पूरी ऑनलाइन पढ़ाई की है, और ऑनलाइन में हमें पता है हम ज़्यादा रिटर्न वर्क करते नहीं है, बस होमवर्क निपटाना होता है निपटा देते, लेकिन हाँ उतनी प्रैक्टिस नहीं होती सब्जेक्टिव अप्रोच की, तो ये फैक्टर है। चलिए ठीक है, फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो कोऑर्डिनेट क्वेश्चन जो चैप्टर है हमने 1 शॉट में कंप्लीट किया था, उसमें 2 लाख प्लस यानी 3 लाख के आसपास व्यूज होने वाले हैं, और जो अच्छे नए हैं पहली बार आए तो मैं आपको बता दूँ पूरा कंटेंट फ्री आपको मिल जाएगा, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस में, 1 शॉट वीडियोस में सारा। अगर आप कोई कोचिंग नहीं लेते हो तो A4S आपको सपोर्ट करता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, सारा ट्रैकर जिसमें आपको लाइन से सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। तो इसमें और भी चीजें हैं, ये सीक्रेट फोल्डर है, इसमें ट्रैकर है, आप ट्रैकर पे जाना, लाइन से आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप अपने टर्म 2 की अच्छे से तैयारी करें। साथ के साथ फॉर्मूला बुकलेट है, फॉर्मूला बुकलेट बहुत एक्सक्लूसिव है, ठीक है, बहुत प्रीमियम कंटेंट है, आप देख लेना। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सीबीएसई सैंपल पेपर, ये सारी चीजें इसमें है आपके पास, मतलब हर वो चीजें जो एक बच्चे को टॉप करवाती है, ठीक है। तो आप इसको देख लें कैसे मिलेगा, तो ये जो सीक्रेट फोल्डर है आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, आई वॉन्ट सीक्रेट फोल्डर, और क्या कहते हैं नंबर जो है व्हाट्सएप का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, तो फोर्थ पॉइंट हमारा है कि रिवाइज करने का टाइम मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो हम लोग कई बार ना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और पेपर देने जाते हैं ब्लैंक हो जाते हैं, क्यों? हमने चीजों को रिवाइज नहीं करा, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करी, उस चक्कर में क्यों हम उधर जाके ब्लैंक हो गए। तो आपको इसको समझना पड़ेगा, इस पॉइंट को, चीजों को समझना पड़ेगा कि यार हमें अभी और मेहनत करनी बाकी है। तो आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, यानी पहला पॉइंट था, तो उसके लिए तो मैं बोलूंगा आप पहले जल्दी फटाफट एनसीईआरटी निपटाएं, सबसे पहले एनसीईआरटी, और आप अभी ज्यादा चीजें छोड़िए, पहले एनसीईआरटी करिए। जब एनसीईआरटी हो जाए तो भैया जो सीक्रेट फोल्डर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इनको कर लेना, इतना आपके लिए अभी सफिशियंट होगा, क्योंकि रीजन ये है कि अगर आपका प्री बोर्ड एक हो चुका है, अगर फेब में कंप्लीट हो गया है तो मार्च में एक और ले सकते हैं, क्योंकि अप्रैल के एंड में जाके पेपर है, अभी टाइम है स्कूल वालों के पास, तो हो सकता है रीटेस्ट टाइप एक प्री बोर्ड 2 लेके आपको कर सकते हो। तो आप लोग तैयारी बना के रखें, एटलीस्ट इतना कंप्लीट कर ले जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं करा है, ठीक है। अब जिनके लिए पेपर हार्ड आया, तैयारी पूरी थी, तो भाई मैं आपसे बोलूंगा, यानी कि आपने एनसीईआरटी कर लिया होगा, हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए होंगे, तो मैं कहूंगा जो आपके लिए मैंने ट्रैकर बनाया है 1 शॉट वीडियोस का, उनको फटाफट पूरा कंप्लीट करिए लाइन से सिस्टमेटिक वे में, जिससे कि आपको सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन का आइडिया लग जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा क्या है, अगर मैं तीसरा पॉइंट देखूं सब्जेक्टिव की वजह से, इसके लिए इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते, थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है, थर्ड पॉइंट के लिए थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कि अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो यार ये थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, तो आप क्या करें कोई भी एक सैंपल पेपर उठाएं, या ठीक है स्कूल का प्री बोर्ड हुआ उसको सॉल्व करें प्रॉपर मैनर में, और उसको साथ अपने टीचर के साथ बैठिए, अपने टीचर के साथ बैठिए कि सर बताइए सर मैंने यहाँ पे कहाँ पे स्टेप मिस कर दिया, या मेरे नंबर कहाँ कट सकते हैं, ठीक है। आप अगर स्कूल टीचर आपकी सपोर्ट करते हैं आपको बहुत बढ़िया है, या आप कहीं कोचिंग इनकेस ले रहे हैं तो वहाँ पे आप सर से अपने पूछिए कि सर मुझे सर 1 घंटा दे दीजिए, मुझे ये बताइए कि किस चैप्टर में मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मतलब किस में नहीं लिख रहा हूँ, और एक पेपर कंप्लीट करके अपने सर से चेक करवाइए, वो आपके टिक और क्रॉस से बताएंगे कि भाई तुमने ये स्टेप सही लिखा, यहाँ पे गलती है, वो
उनको आप फाइंड आउट करोगे, फिर दूसरा जब पेपर करोगे, फिर ऐसे तीसरा पेपर करोगे, तो आपकी मिस्टेक्स और आपने जो स्टेप नहीं लिखे हैं, स्टेप मिस हो रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये काम जरूर करें। स्कूल वाले टीचर भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग बुराई बहुत करते हैं स्कूल टीचर्स की, वो बात अलग है, ठीक है। आप लोग ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, हो सकता है आप लकी पर्सन होंगे कि आपको स्कूल टीचर ही बहुत अच्छे मिले हो, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं, तो आप टिक क्रॉस करके अपनी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया फोर्थ, जो था रिवाइज करने वाली बात थी, ठीक है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ, टेस्ट देख के अपनी चीज को परफॉर्म को चेक, परफॉर्मेंस को चेक करना, इसके बिना इंप्रूवमेंट होता नहीं है। आपको अपने टीचर से इंप्रूवमेंट करवाना है तो इसी तरीके से होगा, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ यार, मुझे पता है, जैसे जो अच्छे पढ़ते हैं वैसे तो मैं ऐसे ही करवाता हूँ उनको, ठीक है। टेस्ट देता हूँ भाई, करो टेस्ट, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में ऐसे दे देता हूँ, लो भाई करो। तो ऐसी चीजें होती हैं यार, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता ना, समझ रहे हो। तो आपको ये चीज तो करनी पड़ेगी, तो अपने टीचर से जरूर हेल्प लें। फोर्थ रिवाइज करने की अगर मैं बात करूँ, रिवाइज की दिक्कत ये है कि आपने एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब रिवाइज कहाँ से करें, है कि नहीं, ये चीज है। तो उसके लिए क्या है, आप देखो, आपने अगर अभी तक चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करें, तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, आपका रिवीजन हो जाएगा एक प्रकार से उस चैप्टर का, ठीक है। एक चीज ये मान लो, अगर आप चैनल पे पुराने आपने कर रखा है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि जो तूफानी सीरीज चल रही है, तूफानी सीरीज, ठीक है, तूफानी सीरीज चल रही है, उसको फॉलो करें। लेकिन उससे पहले एक काम जरूर करें, आप लोग क्या करें, प्रिंट आउट निकाल लें, प्रिंट आउट निकाल लो। कैसे, जैसे आपने क्या किया, मान लो आपने इसमें से जो मार्क्स बूस्टर, कहाँ गया भाई मार्क्स बूस्टर, ये है, आपने मार्क्स बूस्टर असाइनमेंट का प्रिंट आउट निकाल लिया, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने के बाद जब आप क्वेश्चंस करें उसके, ठीक है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे, कुछ टफ लगेंगे, तो आप उसमें मेंशन कर दो कि आपको कौन से क्वेश्चन हार्ड लगे थे। अगर हार्ड लगे थे तो एच लिख सकते हो, ईजी लगा था तो ई लिख दो, ठीक है, मीडियम लगा था तो मीडियम लिख लो। इससे क्या होगा, जब आप पेपर टाइम में रिवाइज करोगे, तो जो हार्ड क्वेश्चन है या फिर मीडियम है, जो आपको थोड़े से प्रॉब्लम किए थे, उनको आप रिवाइज करोगे ना, सिंपल को क्यों रिवाइज करोगे, इजी को क्यों रिवाइज करोगे। इस तरीके से उसका प्रिंट आउट फॉर्म में, आपको पता है असाइनमेंट आराम से पीडीएफ फॉर्मेट में आराम से प्रिंट आउट निकाल सकते हो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रिंट आउट निकाल लो, अगर मार्क्स बूस्टर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप आराम से चीजों को प्रिंट आउट निकाल के, थोड़ा हार्ड कॉपी यूज करके, थोड़ा टिक क्रॉस प्रॉपर करके करोगे काम, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। साथ के साथ कोई बच्चों डाउट आ सकता है, सर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें या मार्क्स बूस्टर करें। देखो, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और आप चैनल पर नए हो, तो मार्क्स बूस्टर फॉलो करें, थोड़ा टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है। जिनकी तैयारी अभी ज्यादा नहीं है, अभी एनसीईआरटी पे फोकस करना है, टाइम ज्यादा है नहीं, जिनके पास टाइम ज्यादा नहीं है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, मैंने क्वेश्चन इसी से लिए हुए हैं, तो आपको फायदा ये होगा कि आपने, आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मैंने इसी से क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको फायदा होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीधे मिलेंगे, ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ये चीज है, तो अगर आप इतना सारा चीज बैलेंस बनाते हो, तो डेफिनेटली आप अपने प्री बोर्ड, नेक्स्ट प्री बोर्ड में या नेक्स्ट जो स्कूल में टेस्ट होगा, आप डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो, या समझना है यार, क्योंकि इसके बिना काम होगा नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर थोड़ी मेहनत कर लोगे तो एंट्रेंस असेसमेंट में जो नंबर मिलते हैं वो आपको अच्छे मिल जाएंगे, और अगर कुछ सीबीएसई चेंज करता है बाद में, तो आपको तैयार रहना है, ये मेरी तरफ से वार्निंग है आपको, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो, धन्यवाद।